तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है रात से। एक्चुअली मैं दिन में करता हूँ पर आज रात से कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं बाकुर आया हूँ आरण्य फार्म। मतलब मुझे अचानक ही यहाँ रुकना पड़ा, बिकॉज़ दो प्लेस मेरे अभी भी मिसिंग है, कलेश्वरी टेम्पल एंड बाकुर वाटरफॉल। तो जो हम कल जाने वाले, फ़िलहाल अभी आ गया है हमारा रात का डिनर, तो ट्राई करते हैं, रिव्यू देते हैं। एक्चुअली खाने में है पनीर भुर्जी, एकदम देसी और अच्छा टेस्ट है। हाँ भैया, कौन कुक ने बनाया, बढ़िया टेस्ट है। एक्चुअली मैं बाहर भी पनीर की सब्ज़ी खाने वाला था, तो वहाँ मैंने कैंसिल किया और मैंने कहा कि अरण्या फार्म में जो भी मिलेगा गुजराती थाली ही मिलेगी, मुझे तो ऐसा ही था, तो खा लेंगे अपने, चल लेंगे थोड़ा। पर यार यहाँ फिर से पनीर की आइटम ही मिली है, तो यार खुदा हम पे राजी तो क्या करे फिर, आज ऐसा हो गया है। तो थैंक यू, बढ़िया लगा। सो दोस्तों, आई एम हियर एट अरण्या का फार्म, वेयर आई मीट द ओनर ऑफ अरण्या का फार्म, मिस्टर जयदीप भाई। ही इज ऑल्सो फ्री की ट्रैवलर एंड उनके साथ बात करके बहुत मजा आया। खाना हो गया हमारा खत्म और पहले देश भर की बातें की, इंडिया की बातें की, बहुत मज़ा आ गया। मतलब हमारे जैसे ही कोई सामने हमारे जैसा ही मतलब कॉपी पेस्ट मिले तो और बातें करने में मज़ा आ जाए, रात कम पड़ जाती है। कैसे हमारे जयदीप भाई लगे एंड इज ओनर ऑफ अरण्या फार्म। तो बस अब जाते जाते कहते हैं गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात है ना, एक अजीब सी चीज़ हुई, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। यार मे बी कम से कम एक हावर तक कान में बुलेट का साइलेंसर का साउंड सुनाई दे रहा था, एक घंटे तक। बाप रे बाप, जो दिमाग पक गया है, सोने ही दे रहा था। खैर चलो, अब उठ गया हूँ, तैयार हो जाते फिर क्या करता हूँ बताता हूँ आपको। चलो अरण्या का फार्म की गुड मॉर्निंग कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, हाथ में चाय या कॉफी होती है और सामने जो भी पेड़ और पौधे लगे हुए होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड इट्स अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस विद अ चुस्की ऑफ चाय और कॉफी। वैसे मुझे पेड़ और पौधे में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट अरण्या फार्म में जो पेड़ और पौधे देखने को मिले, इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये है कदम का ट्री। एक्चुअली इसका वीडियो मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल की मेमोरी बहुत जुड़ी हुई है। कदम के जो गोल गोल के आते हैं फल आते हैं, हाँ, तो हम एक दूसरे को बहुत मारते थे स्कूल में, तो वो मेमोरी अभी ताज़ी हो गई। क्या आप भी मारते थे वो कमेंट में लिख के बताना। ओरिजिनल सिंदूर सर। ओके, ओरिजिनल सिंदूर। आ हवे तुम्हारा हाथ पर रब करो। यार एकदम सिंदूर, ये तो वो हनुमान जी को लगाते। वाव, स्मेल करो। वाव, ऐसा हम भी हनुमान जी के भक्त हैं। एक्चुअली अहमदाबाद में सब हनुमान जी के टेंपल सबसे ज्यादा है और इट्स रियली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। एक्चुअली इसकी स्मेल से है ना पूरा कहीं हनुमान टेम्पल में आया हो ना ऐसा फील हो रहा है। वाह, आज का मोमेंट ऑफ द डे है। वाह। तो जयदीप भाई के साथ सुबह की कॉफ़ी के बाद अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट में, तो उन्होंने एक गाइड भी अरेंज करके दिया है। तो अरण्या फार्म ने आज मुझे एक अच्छी ट्रिप प्लान करके दी। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे 3 बजे मेरी जॉब पे जाना है और उस हिसाब से उन्होंने बेटर ट्रिप प्लान करके दिए।
फॉरेस्ट में जाएंगे, फिर बाकोर का एक वाटरफॉल है वहाँ जाएंगे। और पहले तो अभी फॉरेस्ट में जा रहे हैं, बाद में ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो बस हमारे गाइड भैया आगे आगे जा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो देखते हैं फॉरेस्ट कैसा है। वाह यार, लुक एट टू दिस व्यू, एकदम जो क्रिस मूवी आपने देखी हो। तो ऋतिक रोशन जिस गांव में रहता है, मे बी वो हिमाचल प्रदेश का सीन है, पर गुजरात में वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। वाह वहाँ देखो, वाह वाह वाह। आपको पता चल रहा है ना, मैं सोलो ट्रिप क्यों करता हूँ, ऐसे फुटेज लेने पड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यार मैं कश्मीर में घूम रहा हूँ, कोई जगह पे ऐसा लग रहा है। आजूबाजू का नज़ारा देखो यार, वाह, इट्स सो मेमोरेबल, सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड भी कम है। और बहुत, और कितने किलोमीटर आगे जाना है बस ये? चलो बहुत चल के आए, और यहाँ अभी बस ये नज़ारे के बीच में कहीं खो जाना है। एक ऐसा भी जगह है जहाँ शोर नहीं, सन्नाटे। एक ऐसा भी जगह है जहाँ सिर्फ पंछियों की चहक है। पानी भी खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, पहाड़ों से बनी चार दीवारें हैं, एक ऐसी दीवार जहां हम कैद होके भी आजाद हैं। तो ये सुंदर वादियों के बीच में एक सॉन्ग याद आ गया है, लैला मजनू मूवी का, ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। वाह, सच अ ब्यूटीफुल व्यू, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो भाई व्लॉगिंग के चक्कर में आपको कमरा बताना तो रह गया। तो ये है कमरा हमारा, एकदम हेरिटेज टाइप का है। ये है हमारा बिस्तर, हम सोलो ट्रिप पे आए तो छोटा सा बिस्तर, और अंदर एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा बाथरूम। ओके, तो ये है बाथरूम। गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है, और जिसको नहीं नहाना ना उसके लिए एक खाली नल भी है, वो सिर्फ चालू करके नीचे बैठ जाओ। और यस, इनके पास स्विमिंग पूल भी है जहाँ आप डुबकी भी लगा सकते हो, या फिर मटके मटके या लोटे लोटे से बाबूराव की तरह ना भी सकते हो, इट्स अप टू यू। सो अब अरण्या फार्म को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो लास्ट में मैं कुछ फैक्ट चीज़ें कहना चाहूँगा। तो जयदीप भाई, जस्ट ट्रीट मी लाइक ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, एंड सुनील अंकल, ट्रीट मी लाइक ही इज़ माई अंकल। सो यहाँ जरूर विजिट कीजिए, बिकॉज आपको लगेगा नहीं कि कहीं आप घूमने आए हो, यू जस्ट फील लाइक कि आप आपकी फैमिली के साथ मतलब घूम रहे हो। दे गाइड अस, एंड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सो मैं टाइम लेके अब आऊँगा, जब भी आऊँगा, एंड आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया लगी। तो सो थैंक यू सो मच, फिर से जरूर मिलेंगे। और ये तो अहमदाबाद गई है, तो एक आध दो बार फिर से मुलाकात हो ही जाएगी अपनी।
एंड दे आल्सो हैव पोमेरियंस बहुत क्यूट है बहुत सारे हाँ बहुत सारे तो आप देख सकते हो फ्रेम में भी नहीं आ रहे तीन यहाँ है और दूसरे पता नहीं कहाँ है यहाँ चार है एक वो दिखा ओके एक वहाँ है वो रहा छोटा आ रहा इनका नाम जबरदस्त है भीम फिर जूली जूली टेस्टी ओके एक्चुअली मुझे एक ही नाम पता था भीम तो मुझे लगा कि सब पांडवों के नाम ही रख दिए हैं तो चलो थैंक यू सो मच बाय बाय Shining forth.